लोग जो गरीब हैं, गांव में रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे थे। लेकिन ये सरकार के लोगों ने सब काम रोक दिए और आपको केवल राशन से गुलाम बनाना चाहते हैं। महंगाई क्या आपने सोची है, महंगाई कितनी हो गई है, महंगाई कितनी हो गई। पढ़ाई लिखाई आपके लिए अस्पताल बनाया था, कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस आए लेकर के जाए अस्पताल में इलाज कराए, सत्यानाश कर दिया अस्पताल का। कोई हमारी गर्भवती माताएं बहनों के लिए फ्री एम्बुलेंस बनाई थी 102 नंबर कि हमारी गर्भवती माताएं बहने इनको एम्बुलेंस से अगर अस्पताल जाना पड़े और घर छुड़वाना पड़े तो इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, वो भी बंद कर दी उन्होंने। पुलिस लूट मचा रही है, पुलिस आने वाली लूट मचा रही है, क्योंकि इतना गरीबों को परेशान कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं। और अन्याय की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना अन्याय हो रहा है। गरीब आदमी को, गांव में रहने वाले आदमी को अपमानित होना पड़ रहा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे वो नफरत फैला रहे हैं, गरीबों के बीच में नफरत फैलाने काम कर रहे हैं। मुझे खुशी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा, अपने सेक्टर प्रभारी का भी, और जो लोग काम कर रहे हैं हमारे बूथ के। ये बीजेपी वाले रहे तो आपको नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। अभी सोचिए लखनऊ में जहां इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल का और आसपास में, वहां पे हमारे नौजवानों को नौकरी में बड़ी बड़ी जगह, और सोचिए हमारे गरीबों का वोट काट रही है, तो बताओ पहले चुनाव जीत गए होते। हाँ ये सच है, हमें इसी तरह बीजेपी ने हराया। मुझे याद है कि जब मैंने अपने सम्मेलन में कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता नेता जो है हमारे वोटर हैं, खासकर जो गांव में रह रहे हमारे वोटर, उनका नाम काट दिया, जो समाजवादी वोटर थे उनके नाम काट दिए, तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया कि आपने किस आधार पर कह दिया कि हमारे वोट काट दिए। मैंने उन्हें उत्तर प्रदेश के 18,000 वोट ऐसे ही 18,000 वोट एफिडेविट के साथ भिजवाया कि ये लोग जिंदा है। ऐसे उत्तर प्रदेश में हमें 18,000 लोग मिल गए थे, 18,000 मिल गए थे, इन्हें और जोड़ ले हम 10, तो सोचो 18,000 और 10 वोट हमें मिल गए हैं, जो हमारे वोट थे जिन्हें जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में इन्हें डिलीट कर दिया, इन्हें मार दिया। सोचिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एफिडेविट भी लेंगे, ये जो आरओ होते हैं एसडीएम, ये भागते फिरेंगे, ये एसडीएम जो है वो भागते फिरेंगे, क्योंकि आरओ की जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना घटाना, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इनके जिंदा होने पर वोट काट दिए उनके खिलाफ कार्रवाई करा करके उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। और मैं आज कहके जा रहा हूं, अगर ये हमारे गरीब नहीं झुकेंगे, इन्हें आएंगे मनाएंगे आके वो लोग, पुलिस से भी डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे अगर नहीं झुकोगे तो वो आईएस झुक जाएगा, आप झुक जाओगे तो आईएस नहीं झुकेगा, आप नहीं झुके तो आईएस को झुकना पड़ेगा, और आपसे और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, और जब कार्रवाई करेंगे उन्हें नौकरी खतरे में हो जाएगी उनकी।